राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आधिकारिक घोषणा से पहले ही कुछ उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कल दौसा जिले में पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की सभा के दौरान गहलोत ने जिले के सभी मौजूदा पार्टी विधायकों और निर्दलीय ओम प्रकाश हुडला को टिकट देने के संकेत दिए और सभी विधायकों के नाम लेकर उन्हें फिर से जिताने की अपील भी की। बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दौसा के सीकराय से महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, लालसोट से स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा, दौसा से मुरारी लाल मीणा, बांदीकुई से जीआर खटाना और महुआ से निर्दलीय विधायक हुडला का नाम लिया और जनता से उन्हें दोबारा जिताने की अपील भी की। कांग्रेस के टिकटों की घोषणा से पहले गहलोत ने जिस तरह दौसा के मौजूद विधायकों को जीतवाने की अपील की है, उसे लेकर सियासी चर्चाएं शुरू हो गई है। सीएम गहलोत की इस अपील से साफ लग रहा है कि कांग्रेस 5 मौजूदा विधायकों को टिकट दे सकती है। बता दें, दौसा जिले में 5 विधायक हैं, 4 कांग्रेस के हैं, जिनमें से 3 मंत्री हैं। वहीं अगर निर्दलीय ओम प्रकाश हुडला की बात करें, बता दें हुडला के विरोध में 3 दिन पहले दिल्ली AICC मुख्यालय तक विरोध प्रदर्शन हुआ था और टिकट मिलने की संभावना को देखते हुए स्थानीय कांग्रेसी नेता उनका पहले से ही विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध को देखते हुए विरोध के तेज होने की और संभावनाएं भी बढ़ गई है। हुडला 2013 में BJP के टिकट पर जीते थे। वसुंधरा राजे सरकार में उन्हें संसदीय सचिव बनाया गया था, लेकिन 2018 में हुडला का BJP से टिकट कट गया और टिकट कटने के बाद वे निर्दलीय लड़े और जीते भी। जीतने के बाद उन्होंने गहलोत सरकार को समर्थन दिया और इस दौरान अब कांग्रेस उन्हें टिकट देने जा रही है। खैर, ये पहला मौका नहीं है जब गहलोत ने कांग्रेस के टिकटों की घोषणा से पहले उम्मीदवार घोषित किए हैं। बता दें, 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले भी अशोक गहलोत ने दूदू में एक कार्यक्रम के दौरान बाबूलाल नागर को उम्मीदवार घोषित किया था और उन्हें जिताने की अपील भी की थी, लेकिन बाद में कांग्रेस ने नागर का टिकट काट दिया था। टिकट कटने के बाद नागर ने दूदू से बागी होकर चुनाव लड़ा था। पिछले विधानसभा चुनाव में गहलोत समर्थक 11 बागी चुनाव जीते थे, जिनके टिकट कट गए थे। बता दें कि कल दौसा में प्रियंका गांधी ने जनसभा की। इस दौरान उन्होंने BJP और केंद्र सरकार पर जमकर हमला भी बोला और इसी सभा के दौरान CM गहलोत ने नेताओं को टिकट देने के संकेत दिए। लेकिन आपको बता दें, अभी कुछ ही देर में कभी भी कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। तो वही दूसरी ओर आपको बता दें कि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2018 में भी अशोक गहलोत ने बाबूलाल नागर को टिकट दिलवाने की बात भरे मंच से कही थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी बाबूलाल नागर को टिकट नहीं मिला था और उन्होंने बागी होकर चुनाव लड़ा था। तो क्या इस बार भी 2018 की तरह इतिहास दोहराएगा और बाबूलाल नागर को टिकट नहीं दिया जाएगा, या फिर बाबूलाल नागर पिछली बार की तरह बागी होकर चुनाव लड़ेंगे? नमस्कार।